थोड़ी सी भाई सुन ले मेरी भी। मैं नाच नाच के पसीना वाली तने कति नहीं सुन रहा। वैसे इस गांव के थोड़े कंजूस हैं। अरे पैसे दे दी ना मांग रही ताली ये मांग रही हूं और न्यू कह रही हूं घर में बैठे बैठे तम जाम बोलिए थोड़ी ऊंचा हाथ उठाने की जरूरत कौन ही मीठी मीठी ताली और इधर गई या मेरी मंडासी वाली बाण तो यो नहीं भजन पर थोड़ा सा डांस कर लियो। अरे मैया एक बात बताऊं थोड़ी सी ज्ञान की बात बताऊं आपने जो इंसान अपनी बेटे की शादी में डीजे के आगे डांस करता है वो जिंदगी भर डांस करता है और जो इंसान इस बाबा के कीर्तन में डांस करता है ना कीर्तन में बाबा को रिझाने के लिए नाचता है ना उसके भविष्य बेड़ा पार हो जाते हैं। और मैंने ज्यादातर माताओं और बहनों को डीजे के आगे डांस करते देखा है। अरे जरा बाबा को भी मना लो आइए कैसे महादेव जी का एक बड़ा ही सुंदर भजन। और बात कहां से बड़े ध्यान से सुनिए इधर मेरी माताएं भी बैठी हैं ये भी बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि ये दो चार बातें ही बाद में तो आपकी फरमाइश का प्रोग्राम होगा। तो नारद जी माँ गोरा के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही माँ गोरा के पास जाते हैं तो माँ गोरा कहती है कि आइए नारद जी कैसे आना हुआ। तो नारद जी कहते हैं कि नहीं बस कोई विशेष बात तो नहीं थी लेकिन बाबा कहाँ गए हैं मुझे तो बाबा से मिलना है। माँ पार्वती ने कहा बाबा से मिलना बाबा तो बाहर गए हैं पता नहीं कब आएंगे क्या बात है मुझे बता दीजिए। नारद जी कहते हैं नहीं मुझे कुछ व्यक्तिगत काम है व्यक्तिगत मतलब पर्सनल काम है मैं सिर्फ उन्हीं को बता सकता हूँ। माँ गोरा कहती है महाराज ऐसी कौन सी बात है महादेव जी तो मुझे सारी बातें बताते हैं मतलब जब वो तपस्या में बैठते हैं और कौन कौन से भगवान उनको दर्शन देते हैं वो बातें भी मुझे आके बता जाते हैं। और नारद जी आपको मैं यहाँ तक भी कहूँ कि गुरु मंत्र जो दिया जाता है वो किसी को बताया नहीं जाता लेकिन महाराज तो मेरे भोले इतने भोले हैं कि मुझे आके वो गुरु मंत्र भी बता देते हैं। नारद जी कहते हैं मैया फिर भी ये पुरुष ऐसे होते हैं कोई न कोई बात जरूर छुपाते हैं जितने भी पुरुष कोई न कोई बात जरूर छुपाते हैं। आज जितने भी पुरुष यहां बैठे सुबह क्लास लगनी है सबकी घर जाते ही क्लास लगेगी माताएं पूछेंगी बताओ कौन सी बात हमसे छुपाई थी। नारद जी कहते हैं कि आपको सभी बातें वो नहीं बताते गोराजी कहती नहीं बताते हैं। नारद जी बोले आपको पता है अमर कथा आपने सुनी। माँ गोरा कहती है अमर कथा क्या है ये तो मैंने नहीं सुनी। नारद जी कहते बस हो गई ना आप तो कह रहे थे वो सारा कुछ बताते हैं। नारद जी वहां से चले जाते हैं। भोले जी का आगमन होता है। अब गोरा मैया मन में सोच रही है अमर कथा क्या है अमर कथा क्या है मुझे क्यों नहीं बताई मुझे क्यों नहीं बताई ऐसा क्या था। महादेव जी कहते इतना प्रेम करता हूँ ये करता हूँ मुझे अमर कथा नहीं बताई क्या हो गया। माँ पार्वती गुस्से में महादेव जी आते हैं। आज दरबार पे कोई आव भगत नहीं कोई लेने नहीं गया कोई स्वागत नहीं।
महादेव जी अंदर आते हैं और माँ गोरा को बातें करने का प्रयास करते हैं। माँ गोरा से कहते हैं, देवी आपकी तबीयत ठीक है? माँ गोरा कहती है, हाँ ठीक है। क्यों? कि नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रहा था। अब फिर से महादेव जी माँ गोरा को बतलाते हैं, कहते हैं, देवी आज कार्तिक और गणेश नहीं दिखाई दे रहे। अब माँ गोरा का पारा सातवें आसमान पर। माँ गोरा कहती, मैं आपके बच्चों के पीछे पीछे घूमती हूँ। महादेव जी कहते, फिर भी आपको ध्यान तो रखना चाहिए। माँ गोरा कहती है, बड़े बेटे को खीर बनाओ, छोटे बेटे को लड्डू बनाओ और आपकी भांग घोट के दो। क्यों, मैं इसी काम के लिए आई हूँ? मेरे को इसी के लिए ब्याह के लाए हो आप? तो एक बात के द्वारा माँ गोरा क्या कहती है, सुनिए इस भजन के माध्यम से। बोले भांग तुम्हारी नित घोटत घोटत हारी, नित घोटत घोटत हारी। हो फोड़े भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, नित घोटत घोटत है तो माताएं बहने सारी बैठी बैठी घर में मोटी होगी होगी, थोड़ी ताली तो बजा लो, तारी एक्सरसाइज हो जाएगी, मेरा हौसला बढ़ जाएगा, क्या घट जाएगा है? और इधर ये जितने भी भाई खड़े हैं, तुम खड़े क्यों हो भाई? खड़े क्यों हो? इधर तक कोरोना बाज के आ रहा, हमारी तरफ कौन आंदा? सामना के बैठ जाओ, आवाज हमारे थोड़ी बैठ जाओ, जितने भी भगत हैं और इन ताऊ, जितने भी ताऊ जी बैठे हैं, इनता भी बोलू, बुढ़ापा आ रहा है ताऊ जी, और बुढ़ापे में कौन सा हाथ अलावा था,
बरी तेरे के बुढ़ापा को नहीं आवेगा, तवाली उम्र में आ जाएगा जब तेरा तो चाले भी कौन जागा, यो तो देसी घी खाया बैठा है पूरा बुढ़ापा रहता हूँ जी। और बुढ़ापे में क्या करना चाहिए, सिर्फ भगवान के नाम रटने चाहिए और भगवान के नाम पे ताली भी हो जानी चाहिए। आइए कैसे, 1 2 3 4 महादेव जी से की अकड़ रिभोले, रोज रोज की अकड़ रिभोले, अब से सही
मैया क्या कहती है। जो मेरा यो तन है, जैसे मेरा जी तो न्यू करे मत आरत हो रहा, आज यू आज यू आज यू देखे बेबे मैं आ तो जाऊं, लेकिन यो भाई वायर तेरा सही है, कोई नहीं माता बहने बेरा है के कब है। मेरा यो शरीर है ना, मेरे माँ बापा ने न्यू ही नहीं पाड़ा, और के कब है को नाज से पाड़ा कैसे सहूं कसाले, नाजुक तन को नाज से पाड़ा कैसे सहूं कसाले। आग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले, आग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले। नाजुक तन को नाज से पाड़ा कैसे सहूं कसाले, आग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए। रोज की अकड़ रे भोले, रोज रोज की अकड़ रे भोले, घर में राड़ चकारी भोले भांग तिहारी, तो घोट ते घोट ते हारी, तो घोट ते घोट ते हारी, भोले भांग तिहारी, मैं घोट ते घोट ते हारी, मैं घोट ते घोट ते हारी। शिव गाने पे जगत में राणा जी ने
स्पेशल यू कह रहे या छोरी बादशाह इसने दिया, इसके नाम की ताली हो जाए एक बार। इतनी बात सुनी तो थोड़ा तोड़ा आदमी भी दिखावे, इब भोले बाबा ने भी गुस्सा आ गया। गुस्से में आके भोले बाबा ने क्या करया, क्रोध में आके शिव शंकर ने खोला अपना झोला, क्रोध में आके शिव शंकर ने खोला अपना झोला, एक चरस की गोली निकाली, एक भांग का गोला।